इनके पुत्र सोमनाथ जी ने स्वामी के अंदर अपनी लंबी सेवाएं देते छोटा भाई इनका प्रेम तो दोनों कार्यक्रम यहाँ रखे और मुझे आमंत्रित किया से हमारे वरिष्ठ किसान नेता पूर्व विधायक नारायण राम जी बड़ा साहब, गोपालगढ़ के एमएलए साहब पुखराज जी, बावड़ी के प्रधान राजूराम खोजा भाई, भागीरथ जी धन्यवाद, नारायण जी दावड़ी, ओरछा के पूर्व प्रधान राम जी, सम्मानित मंच रामनारायण जी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या के अंदर आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति माताओं मनो। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद आभार कि आपने मुझे याद किया। मैं लोकसभा चल गई थी, बहुत लोगों को समय लग गया, 11-12 बजे कार्यक्रम के अंदर में आता ओशिया के अंदर मैं हमेशा आता रहता हूँ। लोहावट ओशिया ये सारे इलाके जो हमारे मिलते जुलते इलाके हैं और निश्चित रूप से यहाँ का विकास नहीं हुआ। अब समय बहुत आगे निकल गया क्योंकि जिस सरदार शहर के अंदर में जाके आया था वहाँ तो नहर बिल्कुल 10-15-20 किलोमीटर दूर ही है। जब नहर वहाँ 20 किलोमीटर अपना वो हमारा रह गया और आप भी जानते हो किन कारणों से यह नहरी जो क्षेत्र था क्यों नहीं बढ़ा, किन लोगों ने राज किया लंबे समय तक और उन लोगों की वजह से हम धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। तो खुद की मेहनत आगे बढ़े, गुजरात गया, दक्षिण में गया और जाके वहाँ समाज का नाम रोशन किया और एक हिम्मत और हौसले के साथ, इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो गुटबाजी गाँव के अंदर रही है हमेशा और आज भी राजस्थान के अंदर हम देखते हैं तो राजस्थान में जो आपस में लड़ता हुआ कोई दिखता है तो जाट गुजर विश्नोई तो हमारे भाई है, जाट विश्नोई गुजर ये आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं। आप देखिए कोई भी घटना दुर्घटना होगी सबसे ज्यादा हमारे बच्चे किसी न किसी रूप में उस घटना के अंदर आते हैं। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हमें समझदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता, मजबूती को बढ़ाने की आवश्यकता। हमारे नौजवान बच्चे जो नशे की प्रवृत्ति के अंदर जा रहे हैं तो समाज खत्म हो जाएगा और जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम और आप कहाँ रहेंगे। अंदाज लगा लो इस बात का कि धीरे धीरे किस तरह विघटन होते समाज में, इतिहास उठा कर देखें कि दिल्ली क्या आसपास राज करने वाली कौम कहाँ चली गई, हरियाणा गया आज से, उत्तर प्रदेश चला गया, दिल्ली चली गई और राजस्थान था ही नहीं कभी आज। इन सब बातों को हमें सोचना और जब तक आपको चिंता करने वाला व्यक्ति राजस्थान की सत्ता के शिखर पर नहीं बैठेगा इसी तरह तकलीफ हमें पड़ेगी। आजादी के 75 साल बाद अगर नरेगा में मजदूरी करके हम हमारा पेट पालन करें और हमारे बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़े जाने तो भवन है और न कोई टीचर है और उस अस्पताल में हमें मुफ्त दवाई के नाम से जरूर सरकार कहती है मुफ्त दवाई आप दे रहे हैं उस अस्पताल में इलाज कराएं जहाँ न कोई स्पेशलिस्ट है, वो तो जिला मुख्यालयों की स्थिति देख लें जिस तरह की मौतें हो रही कोरोना के बाद, लंपी से गाय हमारी उजड़ गई पूरी, इन सब हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको समझदार बनना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसने संघर्ष किया, सुख दुख में कौन आपके साथ था, कौन आदमी समय रहते हुए बातें करता चला गया और जब समय निकल गया तो पुरानी बातों को लेकर अगर आपके बीच आते हैं उन लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। मैं इतना ही संदेश इस मौके पर दूंगा क्योंकि इनका खुद का कार्यक्रम है पारिवारिक, तो मैं लंबी चौड़ी राजनीतिक बात नहीं कहकर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा के अंदर अब सत्र चल रहा है, हमारी जो जातियाँ चाहे सिद्ध हो विष्णु हो जो हमारे भाई हैं हमसे ही सारा इनका खून का रिश्ता है, इनको केंद्र में आरक्षण इन जातियों को दिल्ली में मिले, ओबीसी राजस्थान में मिलता है, दूसरी जितनी भी जातियाँ जो ओबीसी के अंदर राजस्थान में आरक्षण ले रही है दिल्ली में इनको आरक्षण कैसे मिले, पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम हो, लंपी से जो नुकसान हुआ है इस पर चर्चा हो और मुआवजा मिले देश के दिल्ली देते स्टेट इस तरह कोरोना में कुछ मुआवजे की घोषणा करती 50,000 महिलाओं की मौत में घोषणा करती राजस्थान से उस मामले को उठाया और
गरीब आदमी के लिए 50,000 रुपया भी बहुत नहीं। राजस्थान के जितने भी हमारे लंबित मुद्दे हैं इनको लेके मजबूती से पैरवी करेंगे। अग्निपथ योजना का विरोध पुरजोर तरीके से कल भी मैंने किया, आज भी करूंगा, कल फिर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा। सेना भर्ती पूर्व की भांति हो, सेना को मजाक बना के रख लिया नेपाल ने, गोरखा और ये जो लोग इनको भेजा ही नहीं, इन लोगों का हमें नहीं भेजना चाहते, सीख के आ जाएंगे वहां से, उसके बाद हथियार उठाने में बड़ी मुश्किल से तो नक्सलवाद खत्म हुआ। तो 4 साल बाद जो आदमी वापस आएगा बंदूक चलाना सीखेगा आर्मी में, तो पैरामिलिट्री फोर्स में भारी पड़ेगा आर्मी का आदमी, तो हमें नहीं भेजना। तो इस देश में धीरे धीरे इस बात का विरोध होगा, लेकिन विरोध अब करने वाला कौन है? किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया और हम पीछे पीछे चले गए। मैंने तो किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, सत्ता कोई नहीं छोड़ता। देश में हनुमान बेनीवाल ने, जिसकी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी, उसने सत्ता को ठोकर सिर्फ इसलिए मारी कि उसके भाई सड़क पर बैठे। मैंने राज को ठोकर मारी, नहीं तो मोदी और अमित शाह के राज को कौन नहीं लेना चाहता, आप बताओ। सारे मैं परसों G20 की मीटिंग में था, मुझे मैंने तमाम जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते, मैंने देखा 12 मुख्यमंत्रियों को वो किस तरह प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, मतलब सब मिला जुले का खेल। किसान को आवश्यकता पड़ी सड़क पर आए, जवान को आवश्यकता पड़ी सड़क पर आए। लोकतंत्र में सत्ता की ताकत और कलम की ताकत, इससे अपने लोगों का भला ताकत तो है। अपने 4,000 रुपए में जो बिजली का ट्रक आता था वो 40,000 रुपए का आ रहा है, तो गरीब आदमी कैसे इसका करेगा? इस मामले में हमें सबको आम पार्टियों से ऊपर उठ के इसको ये करना चाहिए कि किसी की दादागिरी राजस्थान के अंदर नहीं, और ये काम करेगा कौन? आप किसी ने किसी को लीड करना होगा। मैं तो ऐसा आदमी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई अगर आगे हो तो मैं तो उसके पीछे होने को तैयार हूँ। एक बार मैंने बयान किया कि अगर दूल्हा मजबूत हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दुल्हन में नहीं बनूंगा। ये मैंने पिछली बार दूल्हा मिल ही नहीं रहा, कोशिश करते हैं जोड़ दें। अब MLA MP सब कुछ लोग MLA, मैं कह ही नहीं हूँ, कहता हूँ हमारे समाज की, आप इतने बड़े हो, सारा कुछ भगवान ने दिया, दिल्ली तक से चले गए, भाई आप क्या बनना चाहते हो? बोले MLA MP, तो बन रहे हो कि नहीं बन रहे हैं? तो हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं मेरी सीट खाली करने को तैयार हूँ, आ जाओ MP बना देंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ के को देश में संदेश तो दो कि हनुमान अकेला नहीं, हम भी कौन से, हम भी साथ आते। मेरी कोई लड़ाई नहीं किससे बचती है, मैं क्यों मेरा खराब कराऊं टाइम, बताओ मुझे। बेटा जी तो राजनीति में रहे लंबे समय, उस बाद में योग सहयोग नहीं बैठा, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक बार वो मिनिस्टर बने। हर आदमी की इच्छा होती है मंत्री बनने की, क्योंकि गलत तो नहीं कर रहे, MLA मंत्री बनना ही चाहता है। और क्योंकि अपने सारे तमाम जो नेता थे, चाहे मदेना साहब की बात करें, लोगों को पता तो नहीं इन बातों का, मदेना साहब का गहलोत का कहां विरोध था? कौन कह रहा विरोध? अगर विरोध होता तो फिर विधानसभा का अध्यक्ष उसके अंदर, बताओ मुझे, मैं तो नहीं रहा किसी के अंदर, अलग पार्टी बनाई, गुस्सा मुझे वो सामने वाले पड़े में जाके बैठता है, गुस्से वाला साथ नहीं बैठता। ये उनको कहना चाहिए उस समय कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं ठोकर मारता हूँ विधान, क्या होता है विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ विधानसभा की मॉनिटरिंग करता है, कोई काम नहीं होता विधानसभा अध्यक्ष का, चाय पानी नाश्ता करवा, तो क्या होता, क्या होता गवर्नर? तो ये देखिए, मैं ये बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं तथ्यों के साथ। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी गलौज से नहीं बनती, ये नहीं बनती, मैंने तमाम लोगों को देखा हुआ, और अपना किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, वो भी किसान कौम से आते हैं, कोई हमारे व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं। और ये इतिहास उठा कर देखो, जाट और मालियों का कभी झगड़ा रहा भी नहीं। बेटा जी वैसे कहाँ झगड़ा रहा, इतिहास भी पुराना है, जब जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई थी, ये हमारे साथ। इस बात को अपने को इस तरीके से भी नहीं लेना, आप तो अपना नेता आपका मेहनत करेगा तो अपना आप बढ़ जाएगा, आपका नेता मेहनत तो करते नहीं और कंपटीशन करते हैं उस बात का। और जब गहलोत को हटा रहे थे हम राजस्थान के अंदर, हम सरकार गिरा रहे थे, उस समय कहाँ गए ये लोग, एक मिनट बताओ, तब तो गहलोत के साथ खड़े थे और जोर की पड़ी इधर उधर, तब ये अब कह रहे ये बयान सुबह दिया कुछ शाम को दिया। आपको इन सारी चीजों को पहचानना भाई, पहचानोगे तो ठीक रहेगा। मैं तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो वापिस MLA MP बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरा इतना बड़ा नाम अब हो गया कि नहीं भी बनूंगा तो भीड़ रह जाएगी, बनूंगा तो ठीक, कम से कम मैं जैसा चाहूंगा वैसा आपकी कृपा से सब ठीक है, मुझे किसी चीज का लोभ लालच नहीं। लेकिन मैंने लोगों को ये भी देखा कि समय पड़ने पे लोग किसी को काका बना लें, और समय निकला और कह दें कि हम उनको क्या समझते हैं। ऐसे सारे तमाम पूरे राजस्थान को नाप लिया, तभी इसमें और पता लग जाएगा कि इसके कितनी गर्मी है, बाहर आ जाएगी तभी। अब ये तो तय है, दिमाग में कई बातें बिठा के रखते हैं और जब तो पूरी नहीं होती, खाली नहीं होता दिमाग, इसलिए पार्टी हर एक बात की लड़ाई करती है, और छोटी लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए आप सबको इतना ही निवेदन करूँ, हमें एकजुट रहना। मेरे पहली बात क्या थी कि आपस में
झगड़ा हमें किसी कीमत पर नहीं, बातचीत हो भी जाए कोई किसी बात की, आजकल के आर्थिक युग हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, पैसों के लिए लोग संबंध खराब कर लेते हैं, तीन पीटी के संबंध थोड़े से पैसों के लिए लोग हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, अपना भाई लोग समझाइश कर लेंगे, दो दिन के अंदर बात शांत हो जाती है, तो गुस्से को काबू में रखना है, झगड़ा नहीं करना, हम भुगत भोगी, हमें पता किस तरह तकलीफ हमारे अंदर पड़ी थी, किस तरह राजनीतिक शिकार मेरा परिवार हुआ, आपको सारी बातें पता है, कौन लोग थे, फिर भी मुंह पे ताला रखा क्या करें, समाज के लोगों का विरोध थोड़ा कर सकते, और उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने हमें मारने का प्रयास किया उनको ही मदद की राजनीति में, इस चुनाव का सब आए थे, कोई कभी आया रात को आया, कोई दिन में आया, कोई 12 बजे, कोई 3 सारी मदद, और आगे आपको सारी बातों का ध्यान है, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपके लिए लड़ेंगे, ये बच्चियां बच्चे जो देख रहे हैं टकटक की लगा के इसके देख रहे हैं कि हनुमान जी कुछ नया करेंगे राजस्थान में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो 20-25 साल जीवन के समर्पित किए, आगे भी जब तक किसान कौम राज्य के अंदर मजबूती से नहीं आएगी, आप सिंहासन पर कब्जा नहीं करोगे, मेरा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। दो तीन बातें और बता दूं, एक तो गाड़ियां जोर से काफी लोगों ने पिस्टल चला, घटना दुर्घटना तो भगवान की कृपा है, जब तक कोई बदनामी नहीं हुई, ऐसा काम नहीं करना, कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें ये बातें ध्यान रखनी, जोश में होश रखना, जोश की जरूरत तो है ही, लेकिन जोश में होश की भी आवश्यकता, मुझे तो आप हर जगह तो उपयोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उपयोग आ भी जाऊंगा, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को उपयोग भी आया हूँ जो कभी मेरे हो ही नहीं सके, उनके भी उपयोग आ गए, क्या समाज की जहाँ बात आती है किसान की आती है चुप हो जाता है, लेकिन उन बातों को आप सबको समझना कि कौन व्यक्ति लड़ रहा है, कौन प्रयास कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, यहाँ जितने भी लोग ये बैठे थे ये आपके बीच के लोग, लेकिन वो लोग जो दिल्ली और जयपुर से फरमान जारी करते थे, वहाँ दोहरा चरित्र, यहाँ बात दूसरी और वहाँ बात तीसरी, तो कई लोग यहाँ देख के आए थे विधानसभा का जब 18 का शपथ ग्रहण था, ये बातें यहाँ कहने की नहीं होती, 18 में जब विधानसभा का शपथ ग्रहण था तो मैंने यहाँ के 200-300 लड़कों को विधानसभा के अंदर ले गया, तो बोले बीजी बड़ा बच्चे कैसे ले लिया होना, तब आपकी MLA तब यहाँ की MLA ने वहाँ क्या किया, ये वीडियो फुटेज है भाई, ओपन ऐसे नहीं घर कोई रिकॉर्डिंग करता ही घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कि वो तब सबको पता कि विधानसभा के अंदर क्या बात कैसे, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना, MLA बनने से पहले तो कौन, और जैसे ही कुछ पावर आई तो कौन, और फिर आई फिर कौन, फिर आई, अगर काट की हांडी एक बार चढ़ भी जाए तो दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़े, इस बात का ध्यान रखना, आज पूरा देश नागौर को जोधपुर को क्यों मान रहा है, क्योंकि आप में मजबूती है, आपने मुझे मजबूत किया, इसलिए उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि नागौर जोधपुर का हनुमान बेनीवाल स्टेट के अंदर नई किसान राजनीति का उदय करे, ये आपकी भाई बन गया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे, मंत्री मुझे बनना नहीं और मुख्यमंत्री का मुझे बनना नहीं, तो जान के याद नहीं रहा, आपको सेट करो, आपको सेट करो, लेकिन कम से कम आपके बीच तो रहता है।